रिलीजियस माइंडेड जो हैं वो वो कह रहे वो, वो, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है ही है नहीं प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।, है हमारे यहाँ का मर्द अपने आप को क्वेश्चन से अबव समझता है प्रॉब्लम है डू यू थिंक कि ये एक ग्लोबल इशू है कि मर्द कभी-कभी औरत को इस नजर से देखता है कि ये डिसीजन मेकिंग में या एक औरत लीडरशिप में नहीं आ सकती या एक औरत जो है वो उसका व्यू मैटर नहीं करता ये ग्लोबली मर्दों की सोच है या हमारे माशरे में मतलब इंसिक्योरिटी एक एजुकेटेड औरत की आपने बात की एजुकेटेड औरत से इंसिक्योर होना इंटेलिजेंट औरत या कहते हैं ना कि बहुत बोलती हैं वो मुराद ही होती है जहीन औरत है तो ये इश्यूज ग्लोबली हैं या हमारे यहाँ ज़्यादा दे माशा देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा ये ग्लोबल इशूज़ है ये एक फितरी पर्सनैलिटी टाइप है जो अच्छा। अल्लाह ने मर्द को अलग दी है औरत को अलग दी है, ठीक है। मर्द की ये प्रॉब्लम है मर्द औरत को प्रॉपर्टी समझता है मोहब्बत को अलग कर दीजिए खैर खाही को अलग कर दीजिए नेकी को अलग कर दीजिए लेकिन मर्द की टेंडेंसी है वो कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है अल्लाह ताला ने मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे दीन में किसी आयत को रेवोल्यूशनरी कहा जा सकता है फेमिनिस्टिक माइंड सेट में जी. तो वो वो वाली आए था जिसमें अल्लाह तला फरमाते आमन लाकुम कर तुम्हारे लिए जायज नहीं है औरतों के जबरदस्ती के वारिस बन बैठो हुँ, हुँ, हुँ. ट्रीट दम एज इक्वल्स एज इंडिविजुअल्स अब ये है कि फितरत से लड़ना बहुत मुश्किल है मैं समझती हूं। लेकिन इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहता है। और अभी हम जब पहले शुरू में बात कर रहे थे जब बंदी का विजन होता, तो फिर बंदा वरना फितरत तो वही रहती है जहाँ पे मर्दों की एक नेगेटिव फितरत है वहाँ पे औरतों की भी तो कई नेगेटिव बात तो इस सारी चीज को चेक मेरे ख्याल करता है इंसानों की चेक रखने में तकवा तो सबसे बड़ी फोर्स है लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे दीन ने हमें सिर्फ तकवा पे नहीं छोड़ा सही। हमारे दीन का सिस्टम बड़ा क्लियर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 थ्री ईयर्स की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने वहीं पे चेंज दिखा दिया था अब पता है हजरत उमर ने कहा था पहले ये बोला नहीं करती थी अब ये बोलने लग गई आप याद कीजिए है ना जी जी हजरत उमर ने इस तरह से करके कहा था अब अल्लाह के रसूल आपके जमाने में ये बहुत चढ़ चढ़ के बोलने लगी पहले तो ये बोला ही नहीं करती थी ये हम मक्का में थे तो ये कुछ नहीं कहती थी अब मदीना में दूसरी बात यह कि जो हमारे यहाँ जो हमारे कवानी हैं जिसको हम जनायात बोलते हैं जनायात जिसको बोलते हैं वो बड़े क्लियर हैं एक औरत के खून की क्या अहमियत है एक औरत की प्रॉपर्टी की क्या अहमियत है एक औरत की शहादत की क्या अहमियत है एक औरत की इंडिविजुअलिटी को कैसे सेफ गार्ड करना क्लियर कवानीन है इसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता बिल्कुल ठीक यानी आपके नज़दीक ये ग्लोबल एक इशू है कि मर्द की नेचर में कुछ ऐसा शामिल है कि उसे शायद इंटेलिजेंट औरत या ऐसी औरत जो बहुत ज़्यादा बोले वो उससे इनसिक्योर होते हैं ये ग्लोबल इशू है और हमारे माशरे में भी ये एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक नेगेटिव फितरी फित्री एक अमल है और नेगेटिव अमल है और जो इस्लामी कवानी है वो इसको चेक करते हैं और तकवा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको जो है वो चेक करता है जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि बोल्ड औरत या एजुकेटेड और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि उनको एक तरह से डाउन अपॉन किया जाता है हमारी आ, जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव सोसाइटी में है जी। मैं आपको बताऊँ ये सारी की सारी रेट्रिक है अच्छा हर बंदा पढ़ी लिखी औरत ओपिनियन रखने वाली औरत समझदार मुतकी औरत उससे मुतासर होता है बिल्कुल ठीक ये एक ऐसी चीज़ है इस पर कोई कलाम है ही नहीं हुँ। हम सैद आसिया को देखते हैं सही हमारी रोल मॉडल कौन है उम्मे कल सुम नुथवा को देखते हैं हुँ, हुँ, ठीक है कहाँ किसे लड़के आ रही हैं कि अल्लाह कुरान में कह देते हैं कि इनके लिए आपको वो भी करने की जरूरत नहीं सिर्फ इनका ईमान चेक कर लीजिए सही सही उम्मे सही। हकीम को देखते हैं हुँ, हुँ. ये हमारी सारी औरतें अपना ओपिनियन रखने वाली औरतें थी नहीं और नहीं बड़ी ये जबरदस्त अपनी जगह सैदा उम्मे हबीबा देख लीजिए मैं इन उन लोगों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने इस स्ट्रगल को फेस किया तो बात असल में ये है ऐसा नहीं है बाकी वो इंसानी फितरत है ना वो हदरतलानफो रिश्ता करने जाए तो हमें स्कर्ट पहनने वाली है। ये अच्छी लगती है <laughs> इंग्लिश <laughs> बोलने वी अच्छी लगती है जब घर ये डॉक्टर हमें अच्छी लगती है जब हम घर ले आते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं 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 हमारे माशरे में तो ऐसा <laughs> नहीं होता अब तुम मैं रेडी लगा लूंगा तुम घर पे बैठो या फिर वो कहते थे इंग्लिश ना बोलना बिल्कुल भी या ये स्कर्ट तुमने क्या पहन लिया हमारा तो ये पहनावा ही नहीं है बिल्कुल ये तो एक मुनाफ्त है जो इंसान के साथ साथ चलती है बिल्कुल ठीक इसके लिए मुस्तकिल स्ट्रगल करनी आ, वुमेन का क्या रोल आप देखती हैं सोसाइटी में ओवरऑल देखिए अगर तो डोमेस्टिक यानी घर में रहने वाली औरत को देखा जाए वो तो पहले ही सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इनडायरेक्टली वो जो फैमिली मेकर होती औरत है इसमें हकीकत है मर्द का किरदार सिर्फ सपोर्ट का होता है इसमें मर्द या पॉलिसी दे देता है अगर उसके पास इतना है विजन में इतनी ताकत है तो उसकी बीवी उसके विजन से मुतासर हो जाए तो वो उसके विजन को आगे ले चलती है इसके लिए उसके विजन में ये पावर होना जरूरी है बाकी ये काम करती तो औरत ही है तो वो पहले ही सोसाइटी को शेप तो वो कर रही है ठीक है। बाकी अगर आप इसको इस तनाजुर में देखना चाहते हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के तनाजुर में जिसमें आप ये समझते हैं कि भाई पढ़ी लिखी औरतें हैं अब इनको कोई माशरे की सोसाइटी बिल्डिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए तो मेरा ये ख्याल है कि औरतों को पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना चाहिए प्रोवाइडेड मैं प्रोवाइडेड को पहले कह दूं ताकि मेरी किसी बात को गलत में ना लिया जाए उनको चादर और चारदीवारी का तहफ़ दिया जाए औरतें डॉक्टर्स अच्छी होती हैं हमेशा एजुकेशनिस्ट औरतें अच्छी होती हैं फाइनेंशियल प्लानर्स औरतें अच्छी होती हैं साइकोथेरापस्ट औरतें अच्छी होती हैं देखिए ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के साथ चलती हैं केयर टेकरस जो भी इनसे मुतल हैं वो उन सब में ख़वान अच्छी होती हैं उनके टैलेंट को यूज करें पोटेंशियल को यूज करें आज की औरत बहुत काम की है जैसे हमारा आज का कंप्यूटर के दौर का बच्चा जो है वो अपनी इंटेलिजेंस में बहुत आगे है आज से पंद्रह बीस साल के बच्चे से इसी तरह हमारी औरत भी तो वो वाली नहीं है ना तो उसके पोटेंशियल को यूज करें लेकिन उसको चादर और चार दीवारी का तहफुज दें सेग्रीगेशन दें उसको इस चक्कर में लाके सोसाइटी को तुमने बिल्ड करना है उसकी उसकी अपनी वेरी एग्जिस्टेंस को दाव पे ना लगा दें उसकी ऑनर को दाव पे ना लगा दें बिल्कुल सही